हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आप लोग के सामने एक दवा बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आपको पता है और सभी भाइयों बहनों को पता है। वो पैरासीटामॉल है, टेनपाल जिसे कहते हैं और डोलो नाम से आती है, और इसके वजह से जो है सबको एक दवा के बारे में जानकारी है और दवा कैसे दिया जाता है, किस हिसाब से दिया जाता है, ये जानकारी नहीं। दोस्तों, पैरासीटामॉल जैसे टेनपाल है, टेनपाल के आप पैरासीटामॉल देखिए, आप आगे रहिए टेनपाल। पैरासीटामॉल दो पार्ट हैं इसकी, टेनपाल और डोलो। डोलो है और टेनपाल है, ये एनाल्जेसिक मेडिसिन है। ये एनाल्जेसिक मेडिसिन होती है और इसमें जो है डोलो में पैरासीटामॉल मिला होता है। पैरासीटामॉल इसमें मिला है, पैरासीटामॉल। ये चीज़ जो है पेन में, पेन एंड फीवर एंड फीवर इसमें दोनों में काम करता है। पेन एंड फीवर दोनों में काम करेगा। और जिन व्यक्ति को हेडेच मतलब सर दर्द, हेडेच मतलब सर दर्द, सर दर्द में भी पीसीएम दिया जाता है। पीसीएम मीन्स होता है पैरासीटामॉल, पीसीएम मीन्स पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल को हेडेच में भी देते हैं। हेडेच में इसलिए आराम मिलता है कि जिनके पास फीवर रहता है, फीवर कम हो जाता है पीसीएम देने से, या इसको आप 500 दीजिए या 650 दीजिए, दोनों में कोई भी दीजिए आप, डोजेज के हिसाब से, एज के हिसाब से और उनके वेट के हिसाब से दिया जाएगा। और दोस्तों, पीसीएम अगर दिया जाता है तो फीवर कम हो जाता है और इसके बाद जो है ये आपका सर दर्द कम हो जाता है, जो दर्द करता है कम होता है वो कम हो जाता है, लो हो जाता है इससे। ये पीसीएम देने से हेडेच जो है कम हो जाता है, पीसीएम देने से 500 या 600 डोजेज के हिसाब से या उसके वेट के हिसाब से। और दोस्तों, ये जैसे आप देखा दें दो कंपनियाँ के हैं पैरासीटामॉल, ये 500 पैरासीटामॉल है, ये 650 है, और इसमें दोनों का हम 60 लेते हैं। ये क्या चीज़ है, कब है? और जिन व्यक्तियों को बुखार तेजी के साथ है, पहला काम उनको 650 आप दे दीजिए, 15 साल के बाद 650 एवरेज में दे जाओ, तो मिनिमम तो है 9 साल के बाद। अगर उनकी 9 साल के बाद 50 से ऊपर बॉडीज है तो उनको आप जो है 650 दिया जा सकता है, लेकिन 15 साल के बाद ही 50 का करीब होगा वे। और दोस्तों, इसी हिसाब से इसको ज़्यादा बुखार है तो दो दो टेबलेट भी दिया जा सकता है, लेकिन इसमें अगर वेट जो है 90 से ज़्यादा एज है तब दो दो टेबलेट। और इसको जो है जैसे छोटे बच्चे हुए हैं या 5 साल से ऊपर है, आप पूरा इनको दे सकते हैं। 5-7 साल के बच्चे जो है उनको पूरा आप दे सकते हैं। इसको देने से फीवर कम हो जाएगा, बॉडी की पेन दर्द जिसे कहते हैं वो कम हो जाएगी। और दोस्तों, इसको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं आता है, इसका डोजेज में कोई भी साइड इफेक्ट या कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, जैसे डॉक्टर बताता है उस हिसाब से कराइए। लेकिन अगर आप हमारी क्लास देख रहे हैं तो हम जिस हिसाब से बता रहे हैं उस हिसाब से करिए। जैसे देखिए, इसकी जो है डोज हम आपको बताएं 7 साल, 5 से 7 साल तक पूरा दे सकते हैं, और ये जो है 9 साल 10 साल के ऊपर वालों को ही दिया जा सकता है। ये 650 जो है, ये पैरासीटामॉल के बाद जो है 650 पूरा जो है 9 साल के बाद ही दिया जा सकता है, जिसका वेट 50 kg से ऊपर हो, ये बब उसी को दिया जाए। और इसमें जो है एनाल्जेसिक मेडिसिन है, और ये पेन एंड फीवर, पेन मीन्स होता है दर्द एंड माने, और फीवर मीन्स बुखार। पेन दर्द और बुखार के दोनों के लिए काम करता है। दोस्तों, दर्द में तो ये नहीं जैसे है, जैसे फीवर की वजह से दर्द होता है, दर्द में जब ये काम करता है, जब आपके फीवर कम हो जाता है तो ये पेन पे काम करना शुरू कर देता है, दर्द आपकी ऑटोमेटिक खींचना कम करना शुरू हो जाता है, वो तुरंत कम कर देगा। और दोस्तों, इसके बारे में यही है। हेडेच का भी कभी किसी को बुखार ज़्यादा हो जाता है तो हेडेच मतलब सर दर्द काफ़ी होने लगता है, तो इसके वजह से हेडेच मतलब सर दर्द जब हो रहा तो पीसीएम आप 500 या 650 उसको मिल गया तो उसको आधा घंटा बाद राहत मिल जाती है, रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो इसी की वजह से ये पैरासीटामॉल दो कंपनियों में है, जो पेटेंट कंपनी है। टेनपाल, टेनपाल बनाती है कौन,
जीएसके कंपनी है, दोनों जो है दोनों माइक्रो कंपनी है, ये दोनों जो कंपनियां पेटेंट है और तमाम प्रकार की कंपनियां हैं जो कि फेफानिल है और अन्य कंपनियां जो कि हमको याद नहीं है, पैरासीटामॉल संबंधित होता है, तो ये सब कंपनियां हैं। लेकिन जो ये फेमस कंपनी है वो ये कंपनियां चल रहा है। और दोस्तों हमारे चैनल में अगर अच्छा लगेगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।